आदाब और साथ साथ आप सबके लिए मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की ये जो संघर्ष आज मैं कामयाब जरूर हासिल करेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ, मजाक है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। आग लोग अच्छी मिलात आग लगे है कोई आपको रुक नहीं सकेंगे। हम कलकत्ता में भैया थोड़ा पीछे आके नीचे आकर के नीचे नीचे नहीं आ सकते। नहीं आ सकते वॉलंटियर है भैया। आस्ते आस्ते सबसे बड़ा यही ताकत है। ओके ओके, जो ताकत आपने आज दिखा रहे हैं हमारे घर में माओ ने बहनों ने घर से बाहर नहीं निकलते, कोई कह के देखे उनका नखुन भी नहीं दिखाई देते थे, लेकिन आज वो सड़के पर उतर के आए हैं खाली आसमान के नीचे और बारिश की मुकाबला करते हुए, सर्द की मुकाबला करते हुए, बिना डर बिना भय आज आप ये संघर्ष में शामिल हुए हैं। इसलिए आपके लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए नहीं, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान बचे, हिंदुस्तान अगर ना बचे तो हम कोई नहीं बच पाएगा। यही नारा है यहाँ के, कोई कहते थे इंकलाब जिंदाबाद। आप जानते हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आजादी के लिए लगाई थी। उन्होंने ये भी नारा लगाई इंकलाब जिंदाबाद, वो नारा आज भी हमारे माँ बहनों के मुंह से गूंज रहे हैं। मतलब ये उस दिन उन्होंने किस मकसद लेकर ये नारा लगाई थी वो मकसद सही था, इसलिए आज आपको बता दे कि महात्मा गांधी जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आखिरी संघर्ष की ऐलान किया था तो उनको पता नहीं था कि किस शब्द में ये ऐलान किया जाए। उस समय गांधी जी को सामने आकर शख्स खड़ा हुई और कहा कि गांधी जी आपका अगली लड़ाई की ये नारा लगाइए क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ो मूवमेंट। आप जानते हैं वो नारा किसने पढ़ाया था? उनका नाम था यूसुफ मेहर अली। आप जानते हैं कि 1857 में 1857 साल में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही रेबिलियन हुआ था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। वो सिपाहियों ने दिल्ली कब्जा कर लिया था। उस समय दिल्ली की मस्जिद में बहादुर शाह जफर सिंहासन में तैनात थे। उन्होंने इस संघर्ष को समर्थन दिया था और हिंदुस्तान के सिपाहियों ने, हिंदू मुसलमान सब धर्म मजहब के सिपाहियों ने जब ब्रिटिश हुकूमत को वहां से उखाड़ने की कोशिश किया तो कामयाब तो हुई लेकिन पूर्ण कामयाब नहीं हुई। बाद में और इसके चलते दिल्ली में धड़ल्ले से हमारे हिंदुस्तान की सिपाहियों को कत्लेआम किया गया और उसमें थोड़ा सा बैठिए ना भाई 29,000
29,000 मुसलमान भाई पीछे उस दिन दिल्ली में उनको भाई पीछे रहो ना पीछे करो ना यार हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान की आजादी की जंग में 35,000 आलिम अपना जान गवाई ये हिंदुस्तान की लाभ है। दिल्ली की सम्राट बहादुर शाह जाफर ब्रिटिश हुकूमत उनको बंदी बनाकर ले गया बर्मा में उनको बंद करके रखा सलाखों के पीछे रहते रहते एक दिन दम तोड़ दिया। हिंदुस्तान की नवाब सम्राट थे तो चाहते थे उनके परिवार चाहते थे कि वो हिंदुस्तान में आए कम से कम दफनाने के लिए कोई जगह तो मिले लेकिन बहादुर शाह जाफर को वो हिंदुस्तान में अपने दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिला। इसलिए किसी ने बड़ी दुख से ये लेख लिखा था कि वो बदनसीब थे बहादुर शाह जाफर कि हिंदुस्तान की जमीन में एक गज जमीन नहीं मिला अपनी दफन के लिए ये वो बदनसीब बहादुर शाह जाफर थे। अब की बोल रहे खाने जा रहा है बोलते नहीं जा रहा है आंदोलन कुछ है भाई तुम तो खेल दे भाई को मान ले के भाई भाई के लिए लगे और इधर से बाबा से बोल रहे आंदोलन कुछ है जरा सभा जाना बोले ताकि तुम बेची है देश মানে আমি তাই তাদের এত মাথা ব্যথা এই দেশে গেলে এত মাথা অমিত শাহ বলছে নতুন নতুন গ্যাং মমতা বলেছে কংগ্রেস বলেছে আম আদমি পার্টি বলেছে অমিত শাহ বলছে না আজকে বিজেপি পার্টি দখল করছে সম্প্রদায় বিভাজনে বিভাজিত হয়েছে তাই তাদের কিন্তু ভুল দিয়ে বুঝতে পারেনি ভারতবর্ষের সব ধরনের মানুষ এক হয়ে যাবে বলে সংবিধান বিরোধী আইন আনা স্যার এক সওয়াল স্যার তাই বিজেপি পার্টি আজকে ভুল করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক কথা বলছে প্রধানমন্ত্রী এক কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধে এক কথা বলছে কারণ ভারতবর্ষ ওরা এটা বুঝতে পারেনি যে এইভাবে সব ধর্ম মানুষ এক হয়ে যাবে হিন্দুদের কথা আছে হারবড়ি নিয়ে গড়বড়ি হয়ে গেল ওদের এটা হারবড়িতে গড়বড়ি হয়ে গেল ওরা ভেবেছে যে এমনি এমনি পার হয়ে যাবে এরকম করে যে রেজিস্ট্যান্স আছে প্রতিবাদ আসবে ওরা এটা বুঝতে পারে স্যার এক দেখার জিনিস যে আজকে ভারতবর্ষে সব ধর্মের মানুষ এটা প্রতিবাদ করে শুধু এখানে নয় বিদেশে ইউরোপ আমেরিকা সর্বোচ্চ বিরোধিতা হচ্ছে এই জিনিস কিন্তু আমি মনে করি ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সংবিধান কতটা তাদের কাছে প্রিয় সংবিধানে তাদের কাছে রক্ষা কবর সংবিধান দুর্বল হলে তাদের ভবিষ্যৎ দুর্বল হবে এই বাস্তব সত্যটা ভারতবর্ষের সব ধর্মের মানুষ বুঝেছে তাই তারা আজকে প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্যার ও তো আটকালকে এত জোরে প্রথম টিপু শাহিনবাগ পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকে যায় বিগারে বকছে তাকে বলে বিগারে বকা এরপরে বিগারে বকছে ভারতবর্ষের বিগারে বকছে কারণ এই আইন আনার পরে ঝাড়খণ্ড ওরা হেরেছে ওদের ওরা জানে এই আইন এনে ওরা বারবার জিততে পারে তবুও চেষ্টা কারণ যখন ভারতবর্ষের মানুষের প্রয়োজন